लाठीचार्ज और एक व्यक्ति महिला स्टाफ पर लाठीचार्ज और वो कोरोना योद्धा और तुम जवान हो, जवान और योद्धा एक होते हैं और इन जवान को नमस्कार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव। जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए संविदा पर जो नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं वो निकले थे, वो काफ़ी समय से यहाँ धरने पर बैठे हैं। उसके बाद सभी नर्सिंग कर्मियों ने धरना स्थल से विधानसभा घेराव के लिए कूच करने का ऐलान किया तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि हम कोरोना योद्धा हैं और हमारा सम्मान किए जाने की बजाय हमसे धक्का मुक्की और हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। जैसा आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि महिलाओं के साथ भी पुलिस ने अभद्रता की है, लाठी चार्ज करने का प्रयास किया गया है। क्या हुआ मैडम आपके साथ? हम 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है, हम 2016 की भर्ती से NHM में लगे हुए हैं तो हमें परमानेंट किया जाए, इसकी वजह से हम यहाँ पर 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं तो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। जिसके लिए हम जैसे विधानसभा जाने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने हम पर लाठीचार्ज किया, जिससे जिसकी वजह से मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट आई। लाठी की वजह से मेरे को पुलिस प्रशासन ने जैसे धक्का मारा लाठीचार्ज से, मेरा हाथ उसकी गेट के वहाँ फंस गया, जिससे ज़्यादा मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ पे चोट आई। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमको परमानेंट कर दे, 6,000 की तनख्वाह से हम कैसे घर गुजारा चलाए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? मैं उदयपुर से, मेरा नाम प्रियंका पांडोर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ शहीद स्मारक पर जिस तरीके से बर्बरता बरसाई गई है पुलिस की, वो बड़ी ही दयनीय है।